चैप्टर 3 धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्नोत्तर हम देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पूरे कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में नीचे जो चैनल लिखा है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज पूरे कोर्स के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कारण बताइए कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो आपको पता है कि सोना और चांदी तो बहुत क्या होते हैं, उनकी सरफेस बहुत चमकदार होती है, तो एक तो ये कारण है। दूसरा, वो आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं, है ना, मतलब उनकी परत का क्षरण नहीं होता है। तीसरा, उसमें आघात वर्धनीयता बहुत उच्च होती है, उसको पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, और उच्च तन्यता होती है, मतलब उसके लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, तो इसको किसी भी आकार या आकृति में बदला जा सकता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि आपने देखा भी होगा सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा हुआ प्रयोगशाला में। तो एक्चुअली क्या है, ये तीनों बहुत सक्रिय धातुएं हैं, अगर आपने इनको वायु में खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेगी। तो तेल में रख कर क्या करते हैं, इनकी वायु और नमी से क्रिया को रोकते हैं जिससे ये सुरक्षित रह सके। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही वायु के संपर्क में आती है एल्यूमिनियम, तो उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करके अपनी सरफेस के ऊपर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाती है, लेकिन वो परत बहुत मजबूत होती है, वो परत हिटती नहीं है। तो अब उससे उस पर हवा और पानी की कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि ये एक परत बन गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, बहुत मजबूत है, उस पर हवा और पानी की क्रिया होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो अब इसका खाना बनाने में क्यों उपयोग करते हैं, तो एक तो ये हो गया कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के बाद भी क्या हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन गई, तो वो अब आगे हवा पानी किसी से क्रिया नहीं करेगी। साथ ही क्या है, इसकी ऊष्मीय चालकता बहुत अधिक होती है और ये आसानी से संक्षारित भी नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में करते हैं। फिर एक जो क्वेश्चन है वो अभी ये डी वाला अभी आप रिड्यूस सिलेबस में एमपी में मत कीजिएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है। क्योंकि एक्चुअली जो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क होता है, इनको सीधे धातु में नहीं बदल सकते, तो पहले क्या करते हैं, इनको धात्विक ऑक्साइड में बदलते हैं, और फिर अंत में उसको कहाँ बदलते हैं, धातु के अंदर बदलते हैं।